केंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक जमाना ऐसा भी था जब जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह भी एक नाम के आगे सलाम ठोका करते थे, जिसने हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ ही दुबई और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपना सिक्का जमा लिया था। वो नाम था दाऊद इब्राहिम, जो जब भारत लौट आना चाहता था दाऊद, क्योंकि 1993 के मुंबई बम धमाकों में भागीदार दाऊद अब भारत सरकार से अपनी पटरी बिठाना चाहता था। दाऊद सरेंडर करना चाहता है, मगर वो चाहता है कि मुंबई आने पर उसे जेल में न डालकर हाउस अरेस्ट किया जाए और ना ही उसे मुंबई पुलिस परेशान करे। दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में गैर कानूनी काम और अराजकता के लिए जाना जाता था। आजी मस्तान, करीम लाला और वासु दादा तरीके माफिया भी यही से निकले थे। दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों से भारत से फरार है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। दाऊद 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में आज हर ओर केवल एक ही नाम की दहशत है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। मगर इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक जमाना ऐसा भी था जब जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह भी एक नाम के आगे सलाम ठोका करते थे, और वो शख्स जिसने हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ ही दुबई और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपना सिक्का जमा लिया था, वो नाम था दाऊद इब्राहिम। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जब भारत लौट आना चाहता था दाऊद। भारत के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2013 में दिल्ली के एक वकील और कांग्रेस नेता ने एक पार्टी के नेतृत्व को बताया कि दाऊद इब्राहिम ने भारत लौटने की बात कही है, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। यूपीए सरकार के टॉप एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इस विषय पर पार्टी और सरकार में काफी चर्चा हुई, क्योंकि 1993 के मुंबई बम धमाकों में भागीदार दाऊद अब भारत सरकार से अपनी पटरी बिठाना चाहता था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी उस खबर के मुताबिक दाऊद के इस प्रस्ताव पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के बीच काफी लंबी चर्चा हुई थी। दाऊद के प्रस्ताव की खबर लाने वाले वकील और कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर कम से कम 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर विस्फोटक मुद्दा है और भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के खिलाफ उसकी शर्तों पर ट्रायल चलाना जोखिम भरा होगा। दोस्तों, इसी के अलग भारत के मशहूर अखबार जनसत्ता के मुताबिक साल 1993 में मुंबई में बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने देश के जाने माने वकील राम जेठ मलानी से बात कर सरेंडर करने की इच्छा जताई थी। उसी दौरान राम जेठ मलानी ने कहा था कि दाऊद सरेंडर करना चाहता है, मगर वो चाहता है कि मुंबई आने पर उसे जेल में न डालकर हाउस अरेस्ट किया जाए और ना ही उसे मुंबई पुलिस परेशान करे। इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर MN सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में दाऊद के सरेंडर पर कहा था कि दाऊद अपने सरेंडर को लेकर 1% भी गंभीर नहीं था, वो केवल सरकार और अधिकारियों के बीच भ्रम फैलाना चाहता था और अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। वो तो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन अधिकारी उसे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर MN सिंह के मुताबिक दाऊद का प्रस्ताव लेकर राम जेठ मलानी की तरफ से महेश जेठ मलानी उनके पास आए थे और बताया था कि दाऊद सरेंडर करने के लिए राजी है। उसकी पहली शर्त यह है कि वो मुंबई वापस आए तो उसका एनकाउंटर ना किया जाए, दूसरी ये कि उस पर केवल मुंबई बम धमाकों का ही केस चलाया जाए, और तीसरा ये कि उसे हाउस अरेस्ट किया जाए, ना कि जेल में डाला जाए। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में गैर कानूनी काम और अराजकता के लिए जाना जाता था। आजी मस्तान, करीम लाला और वासु दादा तरीके माफिया भी यही से निकले थे। उसी डोंगरी से दाऊद निकला। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। उसकी परवरिश मध्य मुंबई की एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई। दाऊद कम उम्र से ही चोरी, डकैती, धोखाधड़ी में शामिल हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों से भारत से फरार है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। दाऊद 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है। वो भारत में कई आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। 1986 में जब मुंबई पुलिस दाऊद को पकड़ने के लिए उसके दफ्तर में पहुंची तो वो गायब था। बाद में सामने आया कि दाऊद पुलिस के पहुंचने से महज 10 मिनट पहले ही वहां से फरार हो गया है। मगर वही दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुंबई पुलिस का एक बड़ा हिस्सा उस समय भी दाऊद के इशारों पर काम किया करता था, इसलिए दाऊद हिंदुस्तान से भागने में कामयाब रहा। अगर कोई इस बात से इनकार करे तो इस बात की गवाही देता है खुद डॉन माया दोलस का पुलिस एनकाउंटर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है, या शायद गिन चुका है। दाऊद का कराची में जिस गली में बंगला है वो नो ट्राईपास जोन है और वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा रहता है। पाकिस्तान में दाऊद के पास ISI सिक्योरिटी भी है। दोस्तों, गौरतलब है कि मुंबई ब्लास्ट के 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम दाऊद के साथ दुबई भाग गए थे। साल 2007 में नूरा की कराची बम विस्फोट में मौत हुई। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी,
दाऊद की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की एक टीम ने आधी रात डी कंपनी के मुख्यालय मुसाफिर खाना में छापा मारा। पुलिस अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी देखकर हैरान थे। इस इमारत के लोग कभी सोते नहीं थे, खासतौर पर ग्राउंड फ्लोर के लोग, जिसमें दाऊद का आलिशान ऑफिस था। क्राइम ब्रांच ने एक एक कमरे का कोना कोला तलाश किया। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे और ममेरे भाई और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर पाई। पुलिस कमिश्नर डीएस सुमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरन वारंट जारी किया। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट था। सुमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन दाऊद एक कदम आगे निकला। उसने परिवार समेत भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात गायब हो गया। जब सुमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वो भी हैरान थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पुलिस के अंदर भी दाऊद का किस कदर नेटवर्क है। पुलिस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दफ्तर पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद के पास फोन पहुंच गया था। उसी 10 मिनट में वो रफू चक्कर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी तैयारी इस अभियान की सहमति ली थी। राजनेता ने कहा था कि दाऊद को जिंदा पकड़ा जाए। बाद में पुलिस को नेता से बातचीत पर भी शक हुआ। इस बीच दाऊद किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचा और दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। बाद में यह भी सामने आया कि दाऊद ने पहले दिल्ली के लिए फ्लाइट ली और फिर वहां से दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट। दाऊद बगैर पासपोर्ट के ही दुबई पहुंचा था। उसका पासपोर्ट पहले से ही क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। साल 1992 दाऊद के लोग 31 दिसंबर को डॉन की सालगिरह पर कई सारी पार्टियां आयोजित करते थे। हालांकि डॉन इन पार्टियों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसी समय एक वारदात ने अंजाम लिया जिसकी गूंज ने केवल भारत के हर कोने में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर हिस्से में जिक्र उठाया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के एक हुजूम ने अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया। देश भर में दंगे भड़क गए। मुंबई की सड़कों पर भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की आईएसआई ने बदला लेने का प्लान बनाया और अपने तमाम हाकिमों को काम पर लगा दिया। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुसलमान सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे टेरर ग्रुप्स को ये जिम्मेदारियां दी गई। दुबई, अबूधाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में इस वारदात के लिए बैठकें हुई। आईएसआई तुरंत हमला करना चाहती थी ताकि उसे बाबरी मस्जिद के बदले से जोड़कर देखा जाए। वे मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहती थी ताकि इसमें किसी तरह का पाकिस्तान कनेक्शन ना दिखाई दे। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई। मेमन जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता। नतीजन हड़बड़ी में कुछ और बैठकें बुलाई गई। इधर छोटा राजन को लेकर भी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इन बैठकों में घंटों कमरे में बंद रहता है, शकील भी मौजूद रहता है। बाद में दाऊद ने सामान मुहैया कराने के लिए टाइगर को अपनी रजामंदी दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के ठीक एक महीने बाद कुछ हिंदुस्तानी लड़कों को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर आरडीएक्स बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में इन सभी लड़कों को कुरान पर हाथ रखकर शपथ दिलाई गई। साल 1993 में बादशाह खान नाम के एक लड़के का नाम जरूर सुर्खियों में आया था। इन हिंदुस्तानी लड़कों के दिमाग में जिहाद का जहर ठूस ठूस कर भरा गया। उन्हें गुजरात दंगों में मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादतियों के वीडियोस दिखाए गए। इन युवाओं ने जबरदस्त हमला कर बदला लेने का वादा किया था। फरवरी 1993 में आरडीएक्स और तमाम हथियार महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाए गए। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों ने मुंबई में दहशत फैला दी। इसी के बाद से दाऊद इब्राहिम के नाम से गैंगस्टर हटकर टेररिस्ट लग चुका था। 1985 के बाद दाऊद इब्राहिम की पहली तस्वीर 2016 में सामने आई थी जिसमें वो पूरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद दाऊद की कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा। इस घटना के बाद उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाया और परिवार के साथ वहीं रहता रहा। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी से दुबई तक, इसमें भी दाऊद के कई नामों के होने का दावा किया गया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में शुरुआती दौर में उसे मुच्छड़ के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह उसकी मोटी और घनी मूछें थी। लेकिन भारत से भागने के बाद वो लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई थी। पाकिस्तान में बसा तो नाम भी बदल लिया। उसके चंद नामों में से एक शेख दाऊद हसन भी है। यह नाम पाकिस्तान में उसकी पहचान है। इसके अलावा कुछ लोग उसे डेविड या भाई कहकर भी पुकारते हैं। भारत में मौजूद लोगों को जब वो फोन करता है तो हाजी साहब या फिर अमीर साहब के नाम से पहचान कराई जाती है। पाकिस्तान में उसके ठिकानों की हर एक हकीकत भारत के सामने आ चुकी है। मगर वास्तविकता में दुख की बात तो ये है कि इतने सालों बाद भी दाऊद जैसे आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े माफिया को भारत सरकार वापस हिंदुस्तान लाने में हर तरह से असमर्थ है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।